नमस्कार दोस्तों, सुषमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुट्टू के आटे की पूड़ी और व्रत वाली आलू की सब्जी, जो बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप फटाफट से इसको बना सकते हैं और व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई, जिसको मैंने गर्म कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच देसी घी, घर का बना हुआ देसी घी है ये, और इसको हम गरम कर लेंगे। घी हमारा गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा। जीरे को थोड़ा क्रैकल होने देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई 4, आप मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ 1 इंच अदरक, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने डाइस कर लिया है, और फ्लेम को मैंने अभी मीडियम पे रखा हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं टमाटर को ढक के पकाऊंगी ताकि थोड़े टमाटर गल जाएं। तो देखिए मैंने 5 मिनट पकाया था, तो टमाटर हमारे गल गए हैं, तो मैश कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक स्वाद अनुसार। काली मिर्च पाउडर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे ये चटपटी ही सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कटोरी दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है, नहीं तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, क्योंकि हमने टमाटर भी डाला है। तो इसको लो फ्लेम पे ही हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ मैंने लिया है 5 मीडियम साइज़ के आलू, इसको हम इस तरह से मोटा मोटा तोड़ के डालेंगे। बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बन जाती है, और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी डाल लेंगे। ये सब्ज़ी ज़्यादा पतली नहीं होती है, थोड़ी सी थिक ही होती है, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा मोटी। तो पानी मैंने डाल दिया है, अब इसको हम ढक्कन लगा के पका लेंगे बॉईल आने तक। तो देखिए यहाँ बॉईल आ गया है, अब इसको हम 2 मिनट के लिए धीमा करके रखेंगे। सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है, तो इसमें मैं बारीक कटा हुआ धनिया डाल देती हूँ अब, और एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। गैस बंद कर लेंगे और अपनी अब पूड़ी की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी कुट्टू का आटा, जिसको हम पहले छान लेंगे, छानना बहुत ज़रूरी है। तो आटे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी आलू की गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एकदम टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। मसलते मसलते ये अपने आप ही डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए मेरा डो तैयार है, अब पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा सूखा आटा कुट्टू का, आप चाहें तो तेल से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस साइज़ में आपको पूड़ी बनानी है उस साइज़ का आप एक लोई लीजिए, और इस तरह से बेलेंगे हम। बहुत पतला नहीं बेलना है और हल्के हाथ से बेलना है। और यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई में ऑयल, और इसको मैंने गर्म कर लिया है अच्छे से। अब इसमें पूड़ी डाल देंगे, फ्लेम को तेज ही रखेंगे, तेज आंच पे ही हमें पूड़ी को फ्राई करना है। और हल्के से दबाते हुए इस तरह से पूड़ी को हम फ्राई करेंगे। देखिए पूड़ी फुलके ऊपर आ गई है अच्छी तरीके से। इसी के साथ दूसरी पूड़ी भी डाल देंगे, पलट देंगे पहली वाली पूड़ी को, सेम प्रोसेस है, हल्के से नीचे दबाएंगे। देखिए दूसरी पूड़ी भी फुलके ऊपर आ गई है, पहली वाली को निकाल लेते हैं।
तो इसी तरीके से हम सारी पूड़ी बना के तैयार करेंगे। तो हमारी ये पूड़ी भी बन के तैयार है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं, अब इनको हम प्लेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कुट्टू की पूड़ियों को प्लेट कर लिया है आलू की व्रत वाली सब्जी के साथ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी अगर आप इसको बनाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।